चीज, तो बहुत लोगों की ये शिकायत होती है कि घर में बने हुए पानी पूरी का टेस्ट बाजार जैसा नहीं होता है। आप एक बार इस तरीके से पानी पूरी बना कर देखिएगा, यकीन मानिए कि आप हमेशा घर का ही बना हुआ पानी पूरी खाएंगे। और पानी पूरी के साथ दही पूरी तो खाना ही चाहिए, तो इसमें डलने वाली हरी चटनी और इमली की खट्टी मीठी चटनी कैसी बनती है ये भी आप इस वीडियो में देखेंगे। तो पहले आप ले लें तकरीबन 2 कटोरी धनिया पत्ती और आप ये डंठल इसके साथ जरूर डालिएगा, क्योंकि जो धनिया पत्ती का टेस्ट होता है वो इसी में ही होता है। फिर इसमें आप डाल दें 1 कटोरी पुदीने की पत्ती। जी हाँ, धनिया पत्ती से आधा ही पुदीने की पत्ती डाला जाता है, तो ये प्रोपोर्शन इसमें इसको टेस्टी बनाने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें आप डाल दें 2 से 3 इंच टुकड़ा अदरक का, 1 हरी मिर्च, अगर आपको तीखा बहुत पसंद है आप 3 से 4 भी डाल सकते हैं। फिर इसमें डाल दीजिए 1/2 चम्मच काला नमक, ये मेरा बेटा भी खाने वाला है इसलिए मैंने इसमें 1 ही हरी मिर्च डाली है। फिर इसमें आप डाल दें 1/4 चम्मच भुनी हुई जीरे का पाउडर। इसमें फिर आप डाल दें 1 पूरा नींबू का रस, अगर आपके पास नींबू का रस नहीं है तो आप यहाँ इमली का पल्प भी डाल सकते हैं। इसे अच्छा चटपटा बनाने के लिए आप इसमें डाल दें 1/2 चम्मच चाट पाउडर और फिर इसमें 2 से 3 चम्मच आप पानी डालें और इसका एक फाइन पेस्ट बना लें। और ये बन गई एक बहुत ही अच्छी सी चटपटी सी हरी चटनी। तो जो नींबू का रस डाला है उसकी वजह से ये जो इसका हरा रंग है बहुत ही अच्छा आता है। तो दही पूरी में जितनी चटनी लगने वाली है आप इसे एक बाउल में निकाल लें और फिर यही जो बचा हुआ पेस्ट है इससे हम बनाएंगे पानी पूरी का पानी। तो आप एक साफ बर्तन ले लें और उसमें ये पूरा पेस्ट आप निकाल लें। पानी पूरी का एक बहुत ही तीखा और चटपटा पानी बनाने के लिए हम इसमें और भी कुछ मसाले ऐड करेंगे, तो आप मिक्सर में भी थोड़ा सा पानी डालकर उसमें ऐसा निकाल लें ताकि जितना भी पेस्ट है वो पूरा हम यूज कर सकें पानी पूरी के लिए। आप इसमें फिर डाल दें 1 ग्लास ठंडा पानी, आप चाहे तो नॉर्मल पानी भी इसमें डाल सकते हैं, ये बिल्कुल आप पर डिपेंड करता है कि आपको ठंडा चाहिए या नॉर्मल चाहिए। फिर आप उसमें डाल दीजिए 1/2 चम्मच खाने वाला नमक, याद रहे कि चटनी बनाते वक्त भी हमने इसमें काला नमक डाला था। फिर इसमें आप डाल दीजिए 1/4 चम्मच भुनी हुई जीरे का पाउडर। इसमें फिर आप डाल दें 1/4 चम्मच काली मिर्च का पाउडर, आप चाहे तो लाल मिर्च का पाउडर भी डाल सकते हैं। और फिर 2 बड़े चम्मच कोई भी पानी पूरी मसाला। इसमें फिर आप डालिएगा 2 चुटकी हींग, वीडियो बनाते वक्त ये शूट करना रह गया था पर आप जरूर डालिएगा, हींग से इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा बढ़ जाता है। तो अगर आपने क्वीन मूवी देखी होगी तो जब कंगना रनावत को गोलगप्पे या पानी पूरी बनाना होता है तो वो अपनी माँ को फोन करके यही पूछती है कि हींग को इंग्लिश में क्या कहा जाता है। तो मुझे हमेशा वो मूवी का सीन याद आ जाता है पानी पूरी बनाते वक्त। तो फिर आप ये जो पानी पूरी का जो हमने पेस्ट और जो पानी बनाया था उसे आप अच्छे से छान लें ताकि इसमें जो इतने भी धनिया पत्ती या जो मिर्ची के बीज हैं या जो भी मसाले हैं वो अच्छे से फाइन फिल्टर हो जाए। ये स्टेप वैसे तो ऑप्शनल है बट आप ये जरूर करिएगा। लंदन में इस वक्त -3 डिग्री है, इस वजह से इसमें मैंने आइस क्यूब नहीं डाला, बट आप इसमें आइस क्यूब जरूर डालिएगा, मुझे ठंडा और तीखा पानी बहुत ही अच्छा लगता है पीने में। और अब हम बनाते हैं इमली की खट्टी मीठी सी चटनी। तो जो इमली है उसे मैंने यहाँ पहले से पानी में सोख करके रखा हुआ है, तो यहाँ पहले इमली का जो ये पानी है उसे हम अच्छे से छान लेंगे ताकि इसमें के जितने भी बीज और जितने इसके रेशे हैं वो अच्छे से छन जाए। तो अगर आप इमली पहले से भिगाना भूल गए हैं तो इमली को आप अच्छा गर्म पानी में 30 मिनट तक भिगा के रख दें, उससे भी उसका अच्छे से पल्प निकल जाएगा। आप ले लें एक पैन और उसको रख दीजिए लो फ्लेम में, उसमें आप डालें 2 से 3 चम्मच तेल। अब क्योंकि यहाँ हम खाने वाले सिर्फ 2 थे इसलिए मैंने कम इमली यूज की है, पर 1 कटोरी इमली चटनी के लिए आप 50 ग्राम इमली ले सकते हैं। तेल गरम होते ही आप उसमें डाल दीजिए 1/4 चम्मच जीरा और जीरा जब चटक जाए आप उसमें डाल दीजिए इमली का रस जिसे हमने छान के पहले से रखा हुआ है। तो जीरे से ये इमली की चटनी में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। गैस का फ्लेम आप लो ही रखिएगा और जैसे ही इमली का ये जो पानी है थोड़ा सा उबलने लगे आप उसमें डाल दीजिए सेम अमाउंट का गुड़, मतलब जितना आपने इमली लिया था उतना ही आप इसमें गुड़ डाल दें। अगर आपके पास गुड़ नहीं है तो आप यहाँ पर शक्कर भी डाल सकते हैं, पर गुड़ से इसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। आप इसे लगातार चलाते रहें ताकि ये जो गुड़ है वो नीचे से चिपके ना और जले ना। इसमें देखिए अच्छे से उबाल आने लग गया है, तब आप इसमें डाल दीजिए 1/2 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 1/4 चम्मच जीरा पाउडर, 1/2 चम्मच धनिया का पाउडर, 1/4 चम्मच गरम मसाला पाउडर और अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें नमक। तो ये सारी चीजें मिलाने के बाद भी हमें इसे अच्छे से पकाना है, तो इसे हमें बहुत ही ज्यादा गाढ़ा नहीं करना है और बहुत ही ज्यादा पतला नहीं करना है। आप इसे बस याद रखिएगा कि लगातार आप इसे चलाते रहें
और 2 मिनट चलाने के बाद ये देखिए, ये जो चटनी है ये थोड़ी सी गाढ़ी हो चुकी है। इसे बहुत गाढ़ा मत करिएगा, क्योंकि ये जब ठंडी होती है ये ऑटोमेटिक थोड़ी सी गाढ़ी हो जाती है। तो आप इसे एक बाउल में निकाल दीजिएगा। ये चटनी आप बनाकर 4 से 5 दिन तक भी खा सकते हैं। तो आप कभी समोसा या पकौड़ों के साथ अगर चटपटा चटनी हो तो क्या मजा आता है। तो मेरे पास यहाँ पहले से उबले हुए सफेद मटर थे, जिसे वटाना भी कहा जाता है, और उबालते वक्त मैंने उसमें नमक डाला था। फिर उसमें आप डाल दीजिए 1/2 कटोरी बारीक कटा हुआ प्याज, इसमें डाल दें आप 1/4 चम्मच नमक और फिर 1/4 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, आप अपने अकॉर्डिंग इसमें ज्यादा या कम कर सकते हैं, और 1/4 चम्मच भुनी हुई जीरे का पाउडर। आप यहाँ मटर की जगह उबले हुए आलू या फिर काले जो चने होते हैं वो भी यूज कर सकते हैं। कुछ लोग मटर और आलू एक साथ इसमें यूज करते हैं और कुछ लोग उबले हुए मूंग भी डालते हैं। तो ये बिल्कुल आप पर डिपेंड करता है कि आपको किस तरीके का टेस्ट चाहिए। तो पानी पूरी का जो मेन टेस्ट होता है वो इसके पानी में होता है। तो पानी में आप डाल दीजिए बूंदी, जो नमकीन बूंदी आती है मार्केट में। और अब मुझसे तो बिल्कुल भी रुका नहीं जा रहा है, तो मैंने कुछ लिए हैं यहाँ पर रेडीमेड पूरी। उसे आप बीच में से कुछ इस तरीके से फोड़ लीजिएगा, उसमें डालिएगा ये जो हमने मटर का मसाला बनाया हुआ है, और जो पानी पूरी का हमने तीखा चटपटा पानी बनाया है उसमें ये पूरी आप इस तरीके से डालिएगा और सीधा एक बार में आप मुंह में डालिएगा। और अब बारी आती है दही पूरी की। तो मैंने यहाँ पर गाढ़ा दही लिया है और उसमें नमक डालकर उसे अच्छे से फेंट लिया है। अगर आपको थोड़ा मीठा पसंद है तो आप दही में शक्कर भी डाल सकते हैं। तो पूरी को मैंने यहाँ पर अच्छे से मसाला भर के रख लिया है प्लेट में, उसमें फिर आप डाल दें फेंटा हुआ दही। और याद रखिएगा कि जो दही है वो अच्छा गाढ़ा होना चाहिए, आप इसमें पतला दही बिल्कुल भी मत डालिएगा, नहीं तो जो पूरी है वो गल के इसमें से टूटना स्टार्ट हो जाएगा। और अब बारी आती है तीखी और चटपटी हरी चटनी की, जो हमने सबसे पहले बनाया था। और अब बारी आती है इमली की खट्टी मीठी चटनी की। तो तीखा मीठा चटपटा सारे फ्लेवर्स होते हैं दही पूरी में। और फिर इसमें आप डाल दीजिए बारीक कटा हुआ प्याज, अगर आपको और खट्टा चाहिए तो आप इसमें चाट मसाला भी डाल सकते हैं। और फिर इसमें डालिए लास्ट बट नॉट लीस्ट बारीक सेब। तो आ गया ना मुंह में पानी। तो कैसी लगी आपको ये दोनों रेसिपी, मुझे लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर देर किस बात की, अभी सब्सक्राइब करें।